तक देखो चाचा आओ चाची आओ फूफा आओ फूफी आओ भाई आओ छोटी आओ। अरे ओ मामू कहाँ चले आप भी आओ। अरे ओ भैया कहाँ चले सब मिलजुल कर आओ। सुनो सुनो ऐलान है ऐलान है ऐलान है फरमाने का फरमान है फरमान है फरमान है। इस धरती पर जंग छिड़ी है पेड़ जीवन दान है पेड़ जीवन दान भैया पेड़ जीवन दान है। काटो ये नादान है चलिए और आगे बढ़ो सारे लोग लाइन में हो जाओ फिर वहां से जल्दी दिखा दिया कहां जा रहे थे। आइए सर आगे आइए सब आगे रहे पीछे कौन देखेगा सर नजर भी लो चले असरो गाड़ी बात करा जाए चलेंगे सर सटे हुए नहीं रहना थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके चलो। थोड़ा साइड हो जाइए बच्चे बोल बोलो आगे इधर से सर इधर इधर से ही आई जय 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 धरती बचाओ ए दिलीप भैया आगे बीच में आइए आ गया फोटो है सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे बंधुगण का जो स्वेच्छा से यहाँ लगे हुए बाइक को साइड कर लिए चलिए उन लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार आपको बारह हो जाना चाहिए। ये सहयोग है इससे सहयोग मिलते बहुत अच्छा लगा और इस परिसर में हम लोग हैं थोड़ा सामने आ जाएंगे तो जो भी नुक्कड़ नाटक की प्रदर्शनी है वो आप देख पाएंगे। धन्यवाद आभार ध्यान रखेंगे और सामने से
उठाने का कार्य करेंगे। जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण। होता क्या है पर्यावरण संरक्षण यानी पेड़ पौधों की रक्षा करना और एक स्वच्छ वातावरण बनाना। माइक दो। को खतरा है किससे? हमसे। हमसे? हाँ हाँ हमसे। लेकिन वो कैसे? सुनो सुनो ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। सरकारी का फरमान है, फरमान है, फरमान है। इस धरती पर जंग छिड़ी है, पेड़ ही जीवन दान है, पेड़ ही जीवन दान है, या पेड़ ही जीवन दान है। काटो ये नादान है, नादान है, नादान है। ईश्वर का वरदान है, वरदान है, वरदान है। इस धरती पर जंग छिड़ी है, पेड़ ही जीवन दान है, पेड़ ही जीवन दान है। ये दुनिया का स्वाभिमान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। मेरा गौरव और सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है। आधार है ये प्रकृति की, हम पेड़ ही जीवन दान है, पेड़ ही जीवन दान है, ये पेड़ ही जीवन दान है। आओ बहनों चलो पानी देते हैं। बोतल ये लोग बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे ओ भैया, ये क्या कर रहे हो? ये मैं पेड़ में खाद डाल रहा हूँ। वो क्यों? क्यों? क्योंकि खाद डालने से पेड़ों में बढ़ोतरी होती है और इनका विकास होता है। ओ, कुछ महीने बाद। देखो बहन, पेड़ कितने बड़े और विशाल हो गए। देखने तो लग रही है कितने हरे भरे हो गए हैं और फलदार भी हो गए हैं। हाँ, इसके बाद छीनते जा रहे हो। अगर तुम ऐसे ही पेड़ की कटाई करते रहोगे तो एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा और सब कौन से घर बचेगा? बस बस तुम हमारे रहने के स्थान क्यों उजाड़ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं हम लोगों के कारण ही तुम लोगों का अस्तित्व है? अगर हम लोग इस धरती पर नहीं रहेंगे तो तुम लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ना बात करो। चल अब रास्ता साफ हो गलो। चल कौन काट भी कौन अच्छा लग रहा ना तोरा कच्चा? अच्छा वो काट, हाँ भी लग काटोगे? मत काटो, मत काटो, मत काटो, मत काटो, मत काटो, मत काटो। हाँ भाई, ये क्या हो गया दोस्त? हमारा घर, हमारा घर बंद है दोस्त। दोस्त मेरा बंद हो गया दोस्त। बंद क्या है दोस्त? बताओ।
तुम्हारे स्वार्थ और लूट के कारण ही आज तुम्हारा रहने का निवास हमने लगातार चिंता करना जा रहा है। तुम ही बताओ हम कहाँ जाए, हम कहाँ रहे। हमारे पर्यावरण को हर कीमत पर संरक्षित करना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए जीवनदायी शक्ति है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने आप को रखते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा ही फर्ज है। चलिए खत्म। पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए, सभी अपने सहयोग देकर उसमें योगदान देना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षित और उसमें संतुलन बना रहे इसके लिए हमें सचेत रहना होगा। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। पशु पक्षी है धरती की शान और पेड़ है धरती की जान। पेड़ पौधे है मानव के लिए वरदान, मत करो इसका अपमान। ना जल को प्रदूषित करो ना वायु को, करना ही है तो उसे प्रदूषित करो जो कर रहे हमारे वातावरण को। आओ मेरे साथ पर्यावरण दिवस मनाए इस धरती को जीने योग्य बनाए। ठीक है।